जो है मैं पहले ही जा रही हूँ, रेवण अभी बाकी है। ऐसे ऐसे गर्दन लंबी करो ऐसे। इसकी गर्दन कर टूट जाएगी, इसको सीधा रखो। नहीं टूटेगी। ओहो नख लाग। ओ बस सब डरते हैं नसी। अट्टे डू क्यों जाके तू? और डू है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू घूमो राजस्थानी चैनल। और आपने देखा हमारे यहाँ पर छोटे बच्चे इतनी बड़ी काली सी धोती पहनते हैं क्योंकि ये लैट्रिन पूरे दिन जाते रहते हैं, और फिर जब कपड़े कम पड़ते हैं तो छोटे बड़े कुछ नहीं देखा जाता। डर अरे बच्चे डर डर क्यों पागल है? डर जो मासिल के जोर बोलो तो ये हो जी ते हासिल ला ऐसा। तो आज हम थोड़े से फ्री हुए और हमें छोटू से खेलने का मौका मिला है। तेजू बोल रहा मेरे को दो, दिव्या बोल रही मेरे को दो, दादी बोल रही मेरे को दो, और तेजू के खेलने का स्टाइल देखो कैसे डरा रहा, जुबान निकाल निकाल के। ये और चित्रू आपस में खेलते हैं साथ में, तो भी चिल्ला चिल्ला के खेलते हैं, और फिर हम सबको गुस्सा आता है इन पे क्योंकि इन दोनों को चिल्लाना पसंद है, और ऐसी आवाज़ें आए जोरदार तब तक इनको खेलना अच्छा लगता है, चुपचाप और शांति से तो ये खेलते ही नहीं है। और दोस्तों अब आपको एक चीज़ बता दें कि यहाँ देखिए ये दादी के गोद में उल्टा सो रहा है, और कल परसों और मैंने आपको दिखाया कि ये उल्टा सोता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों में वीडियो शेयर करके फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपके बच्चे किस स्टाइल में सोते हैं, उल्टे सोते हैं कि टेढ़े सोते हैं, या फिर सिर को एकदम सीधा करके सोते हैं। इधर देखो आई गर्दन लंबी करो हमें ही का तो इधर का मुंह कर मुंडो। मम्मा यहाँ पर लाओ ना। तो भाई छोटे बच्चे की गर्दन लंबी करने के लिए जब छोटा होता है ना तो या तो कांचली का तकिया बना के लगाते हैं, या फिर ऐसी छोटी सी बोरी बनाते हैं जिसमें अनाज भर के उसको गर्दन के नीचे रखा जाता है ताकि गर्दन लंबी भी हो और पीछे से सर जो है थोड़ा जम जाए और अच्छा सा शेप आ जाए। लेकिन इसके शायद गर्दन के नीचे छोटा बच्चे का तकिया पिल्लो रखा नहीं है, पता नहीं गर्दन छोटी दिख रही है या फिर ये हेल्दी है इसलिए लग रहा है तो भी पता नहीं। तो गर्दन लंबी होनी चाहिए बच्चे की, सुंदर लगती है। और इसी के साथ एक ये बच्ची है जो कि मेरी ताऊ जी की पोती है, और ये इस बच्चे से 5 दिन बड़ी है, और ये पैदा हुई तभी भी इसका वज़न इससे कम था और अभी भी ये कम है। वो पूरे दिन में 5-5 मिनट से टॉयलेट लैटरिंग जाता रहता है, और ये जाती है 4-5 दिन में एक बार। तो क्या हर मौसम में हमारी स्किन को अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट की जरूरत होती है, वैसे ही अब गर्मियां आ चुकी है और गर्मियां अपने यहाँ पर बहुत तेज ज्यादा गर्मी है, इसलिए आपके लिए कुछ गर्मियों के लिए विशेष ममार्थ के मैं प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, जिसमें कि एक है ममार्थ का एलोवेरा फेस वॉश और दूसरा है ममार्थ का एलो अश्वगंधा जेल। तो आपको बता दें कि इनके बारे में इनकी क्या खासियत है और गर्मियों में इनको यूज करने से क्या फायदे। 100 ml की ये पैकिंग है जिसकी प्राइस है 259 रुपए की ये पैकिंग है, और सबको बताइए है कि आपको ये लगाना है उससे पहले और बाद में फेस वॉश से फेस वॉश करना है। मैं भी अभी ना के आई थोड़ी देर पहले, तब मैंने इससे वॉश किया था, और ये जो फेस वॉश है ममार्थ एलोवेरा फेस वॉश, और इसमें खासकर जो इंग्रेडिएंट्स है वो है एलोवेरा और अश्वगंधा, और इन दोनों में ही सेम इंग्रेडिएंट्स की इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपके स्किन को यूथ ग्लो देती हैं। तो ये फेस वॉश आपका जो है SLS और पैराबिन फ्री है, फेस वॉश डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और साथ ही साथ हर प्रकार की स्किन के लिए सुइटेबल है। इसके बाद बारी आती है ममार्थ के इस एलो अश्वगंधा जेल की, जो कि आपको गर्मियों में इतना ज्यादा बेनिफिट्स देने वाला है। जैसे कि आपको बता दें कि इससे यूथफुल ग्लो आएगा आपकी स्किन पर। यह अपनी स्किन के लिए इसलिए खास है क्योंकि ये पैराबिन और सिलिकॉन फ्री है और इसमें किसी प्रकार का कोई भी कलर ऐड नहीं किया गया है और हर प्रकार की स्किन के लिए यूजफुल है। तो इसके अंदर जो एलोवेरा और जो अश्वगंधा दो मेन इंग्रेडिएंट्स है, ये अपनी स्किन को गर्मियों से बचा कर जो नुकसान होते हैं उनसे ये एलोवेरा जेल अपने को बचाता है। अब आपको बता दूं कि इसको यूज कैसे करना है। तो इसको आपको क्या करना है, फेस पर और गर्दन पर यहाँ पर आपको इससे मसाज करनी है। आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, एक बार सुबह जब नहाते हैं उसके बाद इस फेस वॉश से फेस धोने के बाद इसको यूज कर सकते हैं, दूसरा आप रात को अगर इसकी मसाज करके सोते हैं तो आपके फेस के लिए ये मोस्ट बेनिफिशियल होगा। 300 ml की इस बोतल की MRP है 349 रुपये, यानी 349 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा
डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलने वाला है। ममाअर्थ के सारे ही प्रोडक्ट केमिकल फ्री और नेचुरल होते हैं। इसके अलावा अगर आप ममाअर्थ.in से अगर इन प्रोडक्ट को खरीदेंगे और मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। ये प्रोडक्ट अगर बड़ों के लिए खरीदना चाहते हैं तो ममाअर्थ, अमेजॉन, नायका और पर्पल पर आपको मिल जाएंगे, और अगर आप इनको बेबी प्रोडक्ट्स के तौर पर खरीदना चाहते हैं तो इसमें आपके ममाअर्थ, अमेजॉन और फर्स्ट क्राई पर आपको ये प्रोडक्ट उपलब्ध हो जाएंगे। और अब आपको बताते हैं ममाअर्थ के प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात कि ममाअर्थ चला रहा है एक प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जिसमें कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका लिंक वेबसाइट से लिंक कर दिया जाता है, जिससे एक ट्री प्लांट होता है। और ममाअर्थ का टारगेट है कि 2025 तक 1 मिलियन तक ट्री प्लांट किए जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाई लिंक दिया गया है, वहां जाकर क्लिक कीजिए और अपने लिए ये वाले प्रोडक्ट अभी ऑर्डर कीजिए। एक बार तो कहते हैं कि ज़्यादा बच्चा जो टॉयलेट जाता है वो हेल्दी नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मेरा तेजस और दिव्या ने इतने ही दुख दिए थे मेरे को, मतलब कि पूरे हाथ भी नहीं सूखते, एक बार धो के आओ और दोबारा फिर जाओ, एक बार धो के आओ फिर जाओ, ये हालत थे। अब इससे तो खेल लिए और अब जा रहे हैं चित्रू के पास, क्योंकि दिव्या और तेजस दो ही कह रहे हैं वहाँ पर चलो खिलौने हैं वहाँ खेलेंगे। और चित्रू का फ़ोन भी आया था कि आज आप अभी तक क्यों नहीं आए, पहले फ़ोन किया और ऐसे बोला नहीं आप आ जाओ, उसने सोचा मैंने फ़ोन कर दिया तो अपने आप आ जाएंगे। और फिर अभी जो है भरी दोपहर में अब कॉल किया और बोला कि बुआ अभी तक आप यहाँ आए क्यों नहीं, मेरे घर पर अभी तक आप आए क्यों नहीं आज। तो फिर हमने कहा अब बच्चों ने सुन लिया कॉल तो अब कह रहे हैं चलो अभी चल लेते हैं। और मेरी ये ड्रेस है जो सबसे ज़्यादा बदसूरत लगती है, मुझे पहनी हुई मतलब जचती नहीं है बिल्कुल, और इतनी ज़्यादा लू के कारण मैंने चश्मे पहन लिए और अब मैं लग रही हूँ पूरी की पूरी बूढ़ी डोकरी, एक बुज़ुर्ग डोकरी लग रही हूँ मैं, और बात नहीं कर पा रही हूँ लू के अंदर। तो हैं और आपको आगे दिखाते हैं कि ये भरी दोपहरी और कॉल आया 1 घंटा पहले तेज एक यहाँ। तो वो आपको पता है अभी तक आप आया नहीं मोरे घरे, वो आधो हिंदी ना तो मारवाड़ी बोले। तो बुआ थाने पता है आप अभी तक आया नहीं हमारे घर पर, मैं कह नहीं आई मैं तो थे क्या को था थे कहाँ को आया नहीं, मैं कह मैं अभी आती हूँ, उसके बाद मैं नाई हूँ, तेजू नया है, दिव्या नाई है, और अब हम जा रहे हैं। मेरे को इस साल के अंदर दिखाई नहीं देता गाँव में, बिल्कुल नहीं आता इस धूप में ना, फोन भी इतना तप जाएगा कि फट सकता है। नहीं बिल्कुल नहीं आता। क्या नहीं आता? बिल बिल आता है। तो आपको इस लू और तावड़े का एक राजस्थानी सॉन्ग सुनाऊं क्या? अरे पड़े तवड़ियो लुआ बाजे गर्मी घड़ी गांव में, अरे पड़े तवड़ियो लुआ बाजे गर्मी घड़ी गांव में, अब तो बना सा रहे उला में सिटी वाली छांव में, अरे अब तो बना सा रहे उला में सिटी वाली छांव में, सिटी वाली छांव में। अब देखिए बन्ना कैसे गोरी को मनाते हैं। अरे ज्यादा नखरा मत कर गोरी ऐसे लगा दूं गांव में, ज्यादा नखरा मत कर गोरी ऐसे लगा दूं गांव में, ऊपर तो थर छरो लगा दूं रंग में लारे मायरे, पता नहीं ऐसा कुछ कह रहे हैं, लास्ट वाली लाइन मेरे को समझ नहीं आई, तो अब सुनिए थोड़ा सा। ये है तड़ा, इससे है ना खेजड़ियों से लूंग उतारते हैं, खोखे उतारते हैं। इसके आगे यहाँ भैंसिया लगी हुई है और लंबे डंडे से मैं गांव दिखाती हूँ। हम जा रहे हैं वापस, तेजू और दिव्या यहीं पे है। और तो आज है 16 को लास्ट वर्किंग डे है ना, तो मुझे स्कूल जाना जरूरी है और छुट्टी भी नहीं ले सकते इस दिन, तो मैं जा रही हूँ और फिर क्या करेंगे मैं वापस आऊँगी। तो आज है ना आपको यहाँ से गांव दिखाऊँ, वैसे आधा गांव इस दौरे से इधर है आधा उधर है, लेकिन इधर वाला दिखा देती हूँ जो कि हमारा वाला है, हमारा जो सारना वाला। वो दौरे के ऊपर हूँ, टीला रेत का बड़ा टीला, ऊपर चढ़ के दिखाऊँ आपको, फिर दोनों साइड से दिखा दूँगी देखना। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमारे गांव में कौन से कहाँ रहते हैं, कौन सी जात के लोग कहाँ रहते हैं। ये है साता की साइड जहाँ हम बस चढ़ने जाते हैं, इस साइड उत्तर है, नॉर्थ इस साइड में है, फिर यहाँ से ये घर शुरू होते हैं हमारे, एक
दादाजी के भाई की फैमिली यहाँ रहती है, जहाँ दो तीन घर है। इसके बाद इस झाड़ के पीछे बानू का घर आ जाता है और उधर जो है इस खेजड़ी के पीछे उधर आ जाता है छोटे भाई का। फिर यहाँ से ऐसे करते करते वहाँ ताऊ जी के आ जाते हैं वहाँ पर, और यहाँ पर नींबे का घर आ जाता है। इन खेजड़ियों के पीछे जस्ट इधर है वो ज़्यादा घाटी झाड़ें दिख रही उधर, और फिर सारे साढ़ों के घर इससे आगे हैं सारे के सारे। और उधर एक छोटा धोरा है वो आपको सामने दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठेठ लास्ट वाला नहीं, ये बीच वाला, तो उससे उस साइड सारे हैं खोत है। और खोतों से उस साइड फिर जो है आ जाते हैं मुसलमान, जो कि हमारे रंगवाड़ी में नहीं रहते हैं, वो रहते हैं मिठड़ी में। फिर यहाँ से होकर वहाँ से मतलब यहाँ से एक रोड जाती है, वो रोड यूँ मुड़ जाती है, रोड से उस साइड फिर जो है आ जाते हैं साई, जो सांसी होते हैं वो। और उसके बाद ये धोरे की इस साइड बताऊँ आपको, धोरे के इस साइड आप देखोगे तो यहाँ जो आपको पास में घर दिख रहे हैं ये वाले, ये है जाखड़ों के, और ये जाखड़ों के, ये जाखड़ों के, ये जाखड़ों के, ये जाखड़ों, सात आठ घर हैं यहाँ पर जो किसी जाखड़ों के हैं। और फिर उससे आगे जाते हैं तो सांसी है, इधर से इधर आ जाते हैं, मतलब साई, जाटों में भी साई होते हैं तो वो वाले। और फिर वो सामने धोरे पे आपको एक झोपड़ी दिख रही है ये वाली, इसके पीछे दो धोरे बिल्कुल खाली, कोई घर नहीं है। और फिर उसके पीछे काकड़ है, अब तो है घर, और उसके पीछे फिर है काकड़, काकड़ों के बाद है सऊ, और इस तरह हमारा गांव है। और फिर उधर साइयों के पीछे, और वहाँ सामने जो धोरे दिख रहे हैं ठेठ, वो उधर उसके पीछे है बखसर, जो कि यहाँ से हो जाएगी लगभग 5.5-6 किलोमीटर। और फिर यहाँ से होकर इधर हो जाएगा साता, जहाँ हम बस चढ़ने जा रहे हैं वो नीचे रोड है। मम्मी ठेठ रोड पर पहुँच चुकी है, मैं यहाँ पर आपको ज्ञान दे रही हूँ, हमारे गाँव बता रही हूँ। अगर हमें नज़दीक से बस चढ़ना होता है तो हम जो है इस पीछे वाले धोरे को पार करते हैं और यहाँ पर रोड पर आके बैठ जाते हैं। तो इधर से बस आती है बाखासर से और इधर साता की तरफ जाती, तो अब हम यहीं से चढ़ जाएंगे, ठेठ साता नहीं जाएंगे, जो कि 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है। इधर है साता, इधर हमारी स्कूल है प्राइमरी, उधर बाखासर है, लेकिन स्कूल है यहाँ से 2 किलोमीटर हो जाएगी। हम उस स्कूल पैदल जाया करते थे, आपको रोड दिखाती हूँ, बाकी स्कूल तो नहीं दिखेगा। प्राइमरी स्कूल हर किसी को याद रहती है और नहीं भूलते हैं कभी भी अपनी फर्स्ट स्कूल के टीचर वगैरह किसी को नहीं भूलते हम। और आज जो है मैं पहले ही जा रही हूँ, रेवण अभी बाकी है, समझ रहे हो ना, काम है मेरे को बाड़मेर, रेवण में यहाँ रह गई, तो वहाँ लास्ट डे जो है वर्किंग डे में जा नहीं पाऊँगी, तो मुझे लास्ट डे जाना जरूरी है। हाँ, मैं स्कूल पहुँचूँगी कैसे, अभी तो यहाँ खड़ी हूँ, तो मैंने हाफ डे लीव ले लिया है और इंटरवल तक आराम से पहुँच जाऊँगी। तो इस रोड की रोड हम जाते थे और गर्मियों में चप्पल नहीं होते थे, तो ये आग के पान बांध लेते थे पैरों के, या फिर जो छोटे पौधे होते हैं उन पर पैर दे दे के आ जाते थे। ये तो लगभग काफ़ियों ने किया होगा कि चप्पल नहीं होते थे पैरों के, आग के पान बांध लेते थे। तो आप देख रहे हैं अभी धूप भी नहीं निकली है, और क्योंकि सूरज उगा नहीं है, सुबह के 6 बजे, और हमारे वहाँ से ये सबसे पहली और सबसे फास्ट बस है जो कि बाड़मेर पहुँचेगी, मैं शाम को वापस आके रेवण को भी अटेंड कर सकूं। तो अगर मैं वहाँ से सही बस पकड़ लेती हूँ 4 बजे से पहले 4 बजे वाली बस तो यहाँ लेट पहुँचती है, लेकिन उससे पहले की बस कोई मुझे मिल जाती है तो मैं वापस रेवण में आ सकती हूँ। तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय ऑल ऑफ यू, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।